अगर जीना है तो पानी तो पीना ही पड़ेगा, लेकिन अगरोला में ऐसा नहीं है। अगरोला का पानी पिया तो जीवन नहीं, मिलेगी कैंसर की सौगात। कुछ गांव वालों ने अपने घरों में आरओ लगाकर पानी और अपने परिवार को कुछ हद तक सुरक्षित कर लिया है, लेकिन बाकी गांव एक साल से गांव में बिछी पाइपलाइन में पानी आने का इंतजार कर रहा है। जल ही जीवन है, ये बात पूरी दुनिया में लागू होती है, लेकिन अगरोला गांव में ये बात लागू नहीं होती। गांव के पानी में फैक्ट्रियों का ऐसा जहर मिला है कि गांव वालों को पानी से जीवन नहीं कैंसर मिल रहा है। बीमार अगरोला की परेशानी जब प्रशासन की नजर में आई तो गांव वालों को बीमारी से बचाने के लिए गांव में पानी की सप्लाई शुरू करने के लिए पाइपलाइन बिछाई गई। पाइपलाइन बिछे एक साल बीत गया, लेकिन नलों से पानी की एक बूंद नहीं आई। नहीं था, पहले तो इतना अच्छा पानी था कि तारीफ नहीं थी इस पानी की, और अब आप चाहे 150 फुट का पानी ले लो वो भी खराब ही है। तो फिर आप ये पानी पीते हैं? ये पानी पीते हैं मजबूरी में, जब और कोई जुगाड़ नहीं है तो मजबूरी पीना पड़ता है पानी, तो कहाँ जाएं क्या करें। और जो पैसे वाले लोग हैं वो कैसा पानी पीते हैं? पैसे वाले लोग हैं वो तो कैसा भी पी सकें, उनकी तो बात ही अलग है। पैसे वाले तो और महंगा भी खरीद लेंगे पानी, समरसेबल करवा लेंगे अपने घर में। शुद्ध और साफ पानी के इंतजार में प्रशासन के रवैये से परेशान गांव वालों ने खुद को बचाने के लिए कुछ करने की सोची। इसी सोच ने गांव में पानी को शुद्ध करने वाले आरओ की एंट्री करा दी। कई गांव वाले अपने घर में ग्राउंड वाटर को आरओ की मदद से साफ कर पीने लायक बना रहे हैं। हमें तो बस ऐसा लगता था कि हमारी बेटी किसी तरह से बच जाए, हमारा खेती थोड़ी बहुत वो बिक जाए, हमारा घर बिक जाए, हम सड़क पर रह लें, पर हमारी बेटी बच जाए। हम तो बस ऐसा करते थे, हमने कोई ऐसे हिसाब नहीं लगाया कि जैसे कि वो हॉस्पिटल में गए 2-4 हज़ार रुपये जैसे लगे, हम ऐसे हिसाब नहीं लगाते थे ना, हम ऐसे पीछे को उससे बताते थे पैसा। प्राइवेट में हम ज़्यादा दिखाते थे, सरकारी में कभी नहीं दिखाया। एक सच्चाई ये भी है कि गांव के 70% परिवार आरओ लगाने का खर्च नहीं उठा सकते। पानी का कोई और जरिया न होने के कारण गांव के गरीब लोग अभी भी कैंसर वाला पानी पीने को मजबूर हैं। बाहर से भी बोतल वोतल बाहर से ही बोतल मंगवा लेंगे। और आपका जो पानी है ये कब से मिलना शुरू हुआ है पाइप वाला? ये पाइप वाला पानी तो मुश्किल से 2 साल हुए हैं इसको। ये भी 3 दिन बंद रह जाता है, 2 दिन चल जाता है। तो मतलब इसका कोई भरोसा नहीं है? इसका भी कोई भरोसा नहीं है। प्रशासन की लापरवाही देखकर ये कहना मुश्किल है कि गांव वालों का शुद्ध पानी का इंतजार कब खत्म होगा, लेकिन ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि अगर लोग इसी तरह गंदा पानी पीते रहे तो उनका क्या होगा। कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज, गाजियाबाद। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी की फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषित पानी का खतरा सिर्फ अगरोला तक ही सीमित नहीं है। सिटी के आसपास और भी कई गांव इस खतरे की चपेट में हैं। प्रदूषित पानी पीने से लोग चर्म रोग और नपुंसकता के शिकार बन रहे हैं। ये नवादा गांव है। हालांकि ये गांव ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी से थोड़ी दूर बसा है, लेकिन सिटी की कई फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी गांव के बाहर बने इसी पोखर में इकट्ठा होता है। कुछ साल पहले तक साफ पानी वाला पोखर अब काले और जहरीले पानी से भर गया है, जिसमें न जाने कितने खतरनाक केमिकल मिले हैं। इस पानी के कारण गांव वालों को चर्म रोग की बीमारी आम हो गई है। आलम यह है कि नपुंसकता की बीमारी गांव के पुरुषों के साथ साथ गांव के जानवरों में भी तेजी से अपने पैर पसार रही है। कई तरह की बीमारी है, पशुओं में बीमारी है। पशुओं को कैसी बीमारी हो रही है? पशु जो पशु गाभन हो जाए वो गाभन ही नहीं रहते। ये बीमारी पशुओं में भी है और आदमियों में भी है। आदमियों में भी है? हाँ जी। एलर्जी? हाँ, एलर्जी है, बुखार है, या बहुत सी बीमारियां जो मुझे पता नहीं है सारी बीमारियों का। तो नवादा में हालांकि हालात अगरोला जितने बुरे नहीं है, लेकिन पानी का खौफ इस गांव में भी फैल चुका है। पानी से बचने के लिए कई परिवार गांव ही छोड़ चुके हैं। कुछ ऐसा ही हाल लोनी इलाके में पड़ने वाले जावली गांव का भी है। इस गांव के बगल में ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का पानी ड्रेन होता है, जिसने जावली के ग्राउंड वाटर को प्रदूषित कर दिया है। गाँव में हाल ही में कैंसर से एक मौत हुई है,
जिसे गंदे पानी से जोड़कर देखा जा रहा है। लगता है कि शायद उसे पानी सूट नहीं हुआ हो यहाँ का, और यही बीमारी यहाँ से ही लग गई हो लगता है मुझे। कैसा पानी आप लोग पीते हैं? अभी ऐसे ही पीते हैं हम तो, पहले तो नलका था, नलका का पीते थे, अब समरसर लगवा लिया उसका पीते हैं। ऐसा पानी में आपको फर्क नजर आता है? अब फर्क तो ऐसे ही है, पहले भी नलके का पानी पीते थे तो नलका तो ऐसे ही पानी देता था ऊपरी, ये थोड़ा गहरा है तो गहरे में जब भी ठीक है। स्थानीय प्रशासन से लेकर प्रदेश सरकार तक की जानकारी में ये मामला होते हुए भी अब तक कुछ नहीं हुआ है। लोनी के विधायक जाकिर अली सिटी की फैक्ट्रियों का मुद्दा प्रदेश की विधानसभा तक तो ले गए, लेकिन करा कुछ नहीं पाए। तो हमें वहाँ से जवाब मिला कि टॉनिका सिटी पूरी वेल प्लान सिटी बना रहे हैं, इसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जो भी दूषित पानी होता है उसे ट्रीट करके बाद में छोड़ देते हैं। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले मुझे फिर पता चला कि एक टीम आई थी एनजीटी की या गाज़ियाबाद से कोई टीम आई थी, उन्होंने जो छापा मारा तो जो इनका ट्रीटमेंट प्लांट था वो बंद पाया। साथ के साथ मेरे ख्याल से 10-15 फैक्ट्रियों में भी उन्होंने छापे मारे, उनके जो ट्रीटमेंट प्लांट थे वो भी बंद थे। बात साफ है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषित पानी से अकेले अगरोला को ही खतरा नहीं है, आसपास के इलाके भी अब इसकी जद में हैं। अगर जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया गया तो कई और गांवों को अगरोला बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषित पानी को लेकर जब गांव वालों ने हल्ला किया तो प्रशासन ने अप्रैल पार्क में पानी को ट्रीट करने वाला एक प्लांट बना दिया, लेकिन प्लांट कुछ दिन चलने के बाद ही बंद हो गया। प्लांट आज भी बंद पड़ा है और अप्रैल पार्क की ज्यादातर फैक्ट्रियां अपना प्रदूषित पानी सीधे जमीन में डाल रही है, जिसकी वजह से जमीन का ग्राउंड वाटर लगातार जहरीला होता जा रहा है। कैमरामैन रविंद्र रावत के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज, गाजियाबाद। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए टोटल न्यूज।